अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा आइडिया जिसमें अगर आप लोग आज से काम स्टार्ट करते हैं तो आज से ही आप लोग अर्निंग करना शुरू कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तब भी आप काम कर सकते हैं। और मजे की चीज है कि आज से ही अर्निंग आएगी आपको इंशाल्लाह तआला। लेकिन एक चीज बता दूं कि इसमें मेहनत रिक्वायर्ड है। एक एक स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। कोई एप्लीकेशन नहीं है कि कहूंगा कि यहां पे जाके क्लिक करो और अर्निंग करना शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं सिखाता। लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उनको फॉलो करना है इंशाल्लाह तआला। आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि भाई मैं जो है वो काम करना स्टार्ट हो गया हूं और मुझे अर्निंग आना भी स्टार्ट हो गई है। मैं नाम काशिफ मजीद, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और रियल वीडियोस देखना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन क्लिक क्लिक ये वाली नहीं, और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो जो कि ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी वेबसाइट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी इनरोलमेंट जारी है और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, यहां पर भी आप रब्ता कर सकते हैं कोर्सेज में इनरोल करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि काम किस तरह से करना है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना है। अब ये आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखवाना है, तो जो टॉपिक मैं रिकमेंड कर रहा हूं सिर्फ आपने उसी पर लिखवाना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो आगे बाद में जब इसमें आप काम समझ जाएं तो बेशक आप अपनी मर्जी से भी चूज कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। नंबर वन, जो आपने टॉपिक लिखवाना है आर्टिकल, वो मैं आपके साथ लिखना आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं जो कि है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सेकंड नंबर पे है टिकटॉक सेटिंग्स या टिकटॉक ग्रोथ कैसे होती है। थर्ड नंबर पे है कि आप किस तरह से जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर जो है ना वो व्हाट्सएप की अपडेट्स जो आती है, आपको पता है मेटा एआई क्या है, व्हाट्सएप की नई नई अपडेट्स क्या है। तो ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग आगे जाके आर्टिकल लिखेंगे और उसको जो है वो फर्स्ट डे से ही आप कह लें कि मोनेटाइज करके फर्स्ट डे से ही अर्निंग हमारी आना शुरू हो जाएगी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे के स्टेप्स सीखते हैं। तो यहां पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है जिससे हमने एक आर्टिकल लिखवाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक जो होगा हमारा वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से होगा। अब आपने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो अपना जो है वो माइंड अभी यूज नहीं करना, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। फिलहाल आपने जस्ट मुझे फॉलो करते जाने। अब ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक में आपको समझ नहीं आएगी कि यार काश भाई हम इसमें क्या बनाएंगे या क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। हम यहां पे क्या लिखते हैं, हम यहां पे जो है वो चैट जीपीटी पे आए हैं, इसको हम लिखते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लीजिएगा, इंग्लिश में आप इतना तो लिख ही दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि थोड़ा बहुत अर्निंग देती है जो कि गेट लाइक के नाम से, मैंने जिसको काफी दफा बताया हुआ अपनी वीडियोस में, थोड़ी बहुत अर्निंग देती है, ना बताया हो तो आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं। थोड़ा बहुत जिसने कोई 4-5 हज़ार कमाना हो महीने का या 6-7 हज़ार कमाना हो वो उस एप्लीकेशन पे जा सकता है। अब आपने नहीं चले जाना है, वो रियल है, लेकिन यह है कि आपने जो काम मैं आपको बता रहा हूं ये करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उस गेट लाइक एप्लीकेशन के हवाले से इससे आर्टिकल लिखवाना है। मैं यहां पे लिख देता हूं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू गेट लाइक और साथ लिखता हूं कि मुझे इस पे एक आर्टिकल लिख कर दो। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई मुझे इस पे एक आर्टिकल लिख के दो और टॉपिक हमारा क्या है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू गेट लाइक। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको हमने जो डन कर देना है। अब ये जो है वो देखें हमें एक प्रॉपरली आर्टिकल लिख कर दे रहे हैं। जितनी देर में आर्टिकल लिख के देता है मैं आपको बताता हूं गेट लाइक वैसे है क्या, ताकि आपको उसमें भी एफिलिएट का भी बताऊंगा ताकि वहां से आपको भी अर्निंग आना शुरू हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है और लिखना है गेट लाइक अर्न मनी। यहां पर आप देखें तो अर्निंग्स एंड गेट लाइक लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप सिंपल सा अकाउंट बनाने का प्रोसीजर है वो बना लीजिएगा। ना समझ में आए कि अकाउंट कैसे है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसको देख के गेट लाइक पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल रजिस्टर पे जाके आपने डिटेल्स पुट करनी है। मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूं। आप देखें जब मैंने लॉगिन किया तो मेरे इसके अंदर भी $143 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके भी यहां से भी अर्निंग होगी, एक और तरीका है वहां से भी अर्निंग होगी, दो दो तरीके बता रहा हूं, ये बोनस टिप है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। टॉप पे आप देखेंगे जहां पे माई टास्क जॉब एक्सचेंज, यहां पे एफिलिएट का प्रोग्राम है। आपने क्या करना होगा इसमें जाके ये आ जाएगा आपके पास, ओके फर्स्ट टाइम आपके पास ना वो लिस्ट आएगी कि ये चीजें आपने नहीं करनी है, ऐसा ऐसा। फिर ये जो है माय एफिलिएट लिंक में आके आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, आपने इसको भी कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने चैट जीपीटी पे जाना है और जो कि आपको यहां पे देखे प्रॉपर इसने आर्टिकल लिख कर दे दिया। जब आपके पास आर्टिकल आ चुका हो, आपके पास गेट लाइक का जो एफिलिएट का लिंक है ये भी आ चुका हो, तो आपका 50% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है एक वेबसाइट जो कि बिल्कुल जो है ना वो सिंपल सी होगी, बेसिक सी होगी, उससे हम आगे जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट बनाने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका यहां पर देखें स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं, एक है blogger.com। blogger.com जो है ये क्या है, बेसिकली ये एक फ्री टूल है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है हमें, जहां पे हम अपना फ्री का ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन जब फ्री की चीज होती है तो आपको पता है कि उसमें उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं, उस पे आप एक अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है। जहां पे भी आप बना सकते हैं, फ्री में बनाना चाहते हो लेकिन अगर आप एक अच्छा ब्लॉग अपना लिखना चाहते हो और प्रॉपर आगे काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वर्डप्रेस पे जाएं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एक होस्टिंग एंड डोमेन
डोमेन चाहिए होगी, और होस्टिंग एंड डोमेन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप hostinger.com का यूज करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा होस्टिंगर का, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जो है, मैं आगे चल के दिखा देता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक से आने और आपने जो है वो होस्टिंगर को ओपन कर लेना है। यहां पर आप देखें तो मैंने होस्टिंगर जो है वो ओपन किया हुआ है। अब ये लिंक से आप आएंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब होस्टिंग एंड डोमेन लेने का फायदा क्या होता है कि होस्टिंग आपको पता है क्या होती है कि जो हम जितना भी डाटा होता है ना वेबसाइट का, जो हम आर्टिकल लिखते हैं, जितना कुछ भी हम पुट करते हैं, वो होस्टिंग मतलब सेव कर लेती है, जैसे कि आपके मोबाइल की रोम होती है, ठीक है, स्टोरेज होती है। और जो डोमेन होती है वो क्या होता है, आपके नाम होता है जो आपकी वेबसाइट का होता है। डोमेन कैसे, जैसे कि kashimji.com हो गई, ठीक है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट होती है उसका जो है वो कुछ भी लिखा होता है .com लिखा होता है, जैसे google.com, youtube.com, ये सारी जो है वो डोमेन्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने होस्टिंग एंड डोमेन लेनी है होस्टिंगर से। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आएंगे तो यहां पे आपके सामने जैसे ही आप आएंगे लिखा होगा कि आप अपना प्लान चूज करें। अब प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जब स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने जो है वो बिजनेस प्लान से स्टार्ट लेना है, ये मोस्ट पॉपुलर भी है। आपने इसके ऊपर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहां से जो है वो देखें, यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर ऑर्डर। आपने क्या करना है, यहां से 12 मंथ्स के ऊपर क्लिक करना है, इससे ज्यादा की नहीं लेनी, 12 महीने की सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो इस पे बना लें। उसके लिए आप गूगल से सिंपल साइन अप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जो है ना कोई ईमेल है वो लिख दें और नीचे अपना कोई भी पासवर्ड दे दें ताकि उस पे आपका अकाउंट बन जाए। मैं आपके सामने गूगल से जो है वो इसको साइन अप कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने गूगल से साइन अप कर लिया। उसके बाद ऑप्शन आता है कि भाई पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें कि किस तरह से आप होस्टिंग एंड डोमेन लेना चाहते हैं। तो यहां पर देखें, इन्होंने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें इजी पैसा भी है, जैज कैश भी है, उसके बाद कनेक्ट बाय HBL भी है, अल्फाला भी है, ठीक है, अल्फा वैलेट है सॉरी, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की भी ऑप्शन है। तो मैं यहां से जैज कैश सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो तब जब आपने नीचे आना है, हैव अ कूपन कोड, यहां पर आपने लिखना है काशिफ, ठीक है। आप जैसे काशिफ लिख के अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले इसकी जो प्राइस थी, ऊपर देखें 14,300 है, नीचे आप आते हैं तो 12,294 हो जाती है। तो ये देखें प्लान डिस्काउंट इन्होंने पहले इतना दिया हुआ है। उसके बाद मेरे लिंक से आते हैं और ये जो काशिफ का कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% मजीद डिस्काउंट हो जाएगा। तो 12,000 रुपया टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आप एक साल के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपका प्रॉपर जो काम है वो मैं आगे चल के बताता हूं। तो आपने क्या करना है, यहां से आपने सबमिट स्क्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां से आपने अपना नंबर ऐड करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास या जो आपकी एप्लीकेशन होती है उस पे एक जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, वहां से आपके अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और यहां से आपका जो प्लान है वो परचेज हो जाएगा। जब आपका प्लान परचेज हो जाए उसके बाद आपने जो है वो एक वेबसाइट बनानी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पर आना है, ठीक है। यूट्यूब पर आने के बाद आपने यहां पर देखे काशी मजीद है और यहां पर लिखा हुआ है, आपने सर्च करना है काशी मजीद में जाकर चैनल पे मेरे जाके आपने ब्लॉगिंग लिखना है कंप्लीट कोर्स। आप ये देखेंगे कोर्स, तो मैंने इसके अंदर जो है वो प्रॉपर वेबसाइट बनाना सिखाई है, इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वेबसाइट में बनाना यहां पे इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि हमारा मकसद ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने यहां से देखें, यहां पे लिखा होगा बेसिक सेटिंग्स ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन। इसके आगे का प्रोसेस देखो तो ये देखें मैंने पूरा इसमें जो है इसकी सेटिंग्स करना भी सिखा दी है। यहां तक ये तकरीबन आप देखेंगे कुछ 30-40 मिनट की ये मुकम्मल वीडियो होगी, जहां पे आपको होस्टिंग डोमेन लेना जैसे मैंने अभी भी सिखाया, उसके बाद जो है वो उसमें आपने कैसे वेबसाइट बनानी है, बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट के जो एडमिन पैनल होता है, जैसे कि आप वेबसाइट जब बनती है ना, तो ये देखें मेरी एक वेबसाइट है ytvideothumbnaildownloader.com, इसका आपने क्या करना है, एडमिन पैनल जो कि वर्डप्रेस पैनल होता है आपने उस पे आ जाना है, ठीक है। अब जब आपकी वेबसाइट बन चुकी है, आपके पास गेटलाइक का लिंक है, आपके पास ChatGPT का जो है वो एक जो है वो कह लें कि ये जो हमारे पास आर्टिकल है ये भी आ चुका है, तो अब ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का ना वर्डप्रेस का बेसिक सा थीम आएगा। इससे घबराना नहीं है, वर्डप्रेस बहुत सिंपल है। आपको जो मैं आपको फिर बता दूं, ना समझ आए तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है ये वर्डप्रेस के ऊपर ही है। तो आपको 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है, 30 मिनट भी पहले देख लेंगे तो आपको सारी चीजें तकरीबन समझ में आ जाएंगी जितनी हमें जरूरत है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जैसे मैंने यहां पर देखें तो ये जो है वो हमारे सामने वर्डप्रेस का सिंपल थीम आया हुआ है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लोग होंगे काशिफ भाई ये कैसे आपने कर लिया सारा, बहुत सिंपल है। जब आप इसको एक एक स्टेप करेंगे ना तो आपको सारी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने वो जो पोस्ट बनाई थी ना वो यहां पर ऐड करनी है। पोस्ट ऐड करने के लिए आपने ये देखे पोस्ट का ऑप्शन होगा आपके सामने, यहां पर ऑल पोस्ट है, क्रिएट अ पोस्ट है, नीचे ऐड अ न्यू पोस्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आगे का प्रोसीजर क्या है कि हम इस पर अपना जो वीडियो का जो टाइटल है सॉरी जो टॉपिक है हमारा, ये देखें हमारा ये टॉपिक था, इसका टाइटल क्या इसने हमें दिया था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू गेट लाइक। हमने इसको
कॉपी करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से एडिट टाइटल में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने प्लस करना है। उसके बाद आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। अब क्या करना है, आपने यहाँ से जो आपका मुकम्मल ये देखें जितना भी आर्टिकल था आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये आर्टिकल आपका प्रॉपरली जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या होगा कि आपका जितना भी, अच्छा इसमें एक और चीज आपको बताऊं, जो कि हमने गेट लाइक का लिंक लिया था ना ये वाला, अब हमने इसको भी इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये हमारा आर्टिकल। अब हमने क्या करना है कि अब हमने तकरीबन वीडियो इस आर्टिकल के लास्ट पे आके, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक ब्लॉक बना देता हूं, ये देखें टाइप टू चूज अ ब्लॉक, ये आ गया, ठीक है। कंक्लूजन से मैंने जैसे एक इंटर नीचे किया, ऊपर एक ब्लॉक आ गया। अब ब्लॉक आने का ऑप्शन क्या है कि आपके पास यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि भाई पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, यहाँ से आपने बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा BUTTON, बटन आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का एक बटन आ जाएगा। इस बटन के ऊपर आपने लिखना है डाउनलोड लिंक, ठीक है, आपने यहां से जो है वो डाउनलोड लिंक लिखना है। और उसके बाद जो है वो ये देखें ऊपर इस तरह के ऑप्शन है जिसमें आप इसको बोल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिंक कंट्रोल प्लस के, आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपने कौन सा लिंक डालना है, वो लिंक डालना है जो कि हमने ये गेट लाइक पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये हमने लिंक उठाया, अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने अपना लिंक जो था वो पेस्ट कर दिया। लिंक पेस्ट करने के बाद आप नीचे ओपन इन न्यू टैब भी कर दें ताकि आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब ये आपका लिंक जो बन चुका है, अब आपने क्या करना है, तो यहां से मैंने ये सेकंड जो ऑप्शन है इस पे क्लिक किया और अलाइन मिडल कर दिया, तो ये देखिए हमारा डाउनलोड लिंक जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है वो इससे अर्निंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी वेबसाइट होती है तो उस पे एडसेंस को आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल काम है भाई। हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट एड्स नेटवर्क हैं जो कि पहले दिन से अर्निंग देते हैं, कि जैसे ही आप उस पे एड अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो आपको अर्निंग देना शुरू कर देते हैं, हमने उनका यूज करना है। अब उनमें से एक सबसे बेस्ट जो एड नेटवर्क है वो है एड्सटेरा। एड्सटेरा क्या करता है कि आप पहले दिन वहां से एड लेंगे, आप लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और जितने लोग आके उस जो आपका आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे तो आपको अर्निंग आएगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई पढ़ेगा कौन, तो वो भी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो ट्रैफिक लेनी है ताकि लोग आपका आर्टिकल पढ़े भी सही। अब आपको एड्सटेरा का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपको एड्सटेरा का लिंक मिल जाएगा आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहां पर दिया हुआ। जैसे ही आप आते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन अप एज पब्लिशर, ठीक है, ये वाला आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना कोई ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है, कोई भी ऐड कर दीजिएगा, अपना नाम कर देना है। उसके बाद ये लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अपना जो है ना वो जैसे KM कुछ भी लिख दें, जैसे आप अपना नाम के लिहाज से लिख दीजिएगा। फिर अपना पासवर्ड चूज कर लीजिएगा। फिर मैसेंजर है कि आप किस तरह से जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप यहां से इंस्टाग्राम कर दें, फिर अपने इंस्टाग्राम का यहां पे हैंडल डाल दें, जैसे कि मेरा काशिफ मजीद है तो मैं दी काशिफ मजीद कर देता हूं। पेमेंट मेथड से मुराद है कि भाई आपने जब जो अकाउंट के अंदर जितनी आपकी पेमेंट आएगी तो आप कैसे लेंगे, ठीक है, आपने अपने विड्रॉ के लिए क्या करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थीटर, ये जो लिखा हुआ टीथर ERC20 या टीथर TRC20 कर दे। ये क्या होता है, बेसिकली ये बाइनेंस के अंदर आपकी पेमेंट आती है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं और आपकी जितनी पेमेंट है जो आप रिसीव करेंगे वो आपके बैंक में भी आ सकती है। तो लेट्स सपोज मैं बैंक कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूं और ये सारी डिटेल्स पुट करके मैं साइन अप करता हूं। क्योंकि इस पे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैंने क्या किया कि मैंने उस अकाउंट को जो है वो लॉग इन कर लिया। अब आप देखें तो मैंने अभी इस पे काम स्टार्ट किया तो यहां से देखें बैलेंस 0.10 जो है वो डॉलर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहां पर देखें तो ये लिखा हुआ 3 steps टू मोनिटाइज योर वेबसाइट। अगर हम देखें तो पहला क्या स्टेप है, एड योर वेबसाइट, दूसरा है क्रिएट कोड, कॉपी कोड, ठीक है, और उसके बाद जो है जब आप कोड लगा देंगे अपनी वेबसाइट पे तो आपको जो है वो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। फिर लिखा हुआ इंक्रीज योर रेवेन्यू विद एंटी एड ब्लॉक, यहां पे शो टिप्स है तो आप वो भी देख सकते हैं कि भाई ये मजीद टिप्स आपको बताते रहेगा साथ साथ। लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपका जो पहला काम होगा वो ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, यानी कि जो आपने डोमेन ली होगी ना www. जो भी आपने डोमेन ली है आपने उस डोमेन को जो है वो यहां पर ऐड करना है। आपने यहां से ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना होगा, यहां पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा, जैसे कि ये देखिए मैंने दिया ytvideothumbnaildownloader.com। फिर ये कह रहा है वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करें, तो यहां से आप सोशल कर सकते हैं या फिर आके अदर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप अदर कर दें। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब चूंकि देखें मैंने पहले से ऐड की हुई है वेबसाइट तो ये मुझे कह रहा है कि भाई ये तो पहले से ही किसी ने जो है वो रजिस्टर की हुई है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको कैंसिल कर देंगे, आपकी ऐड हो जाएगी। जब आपकी ऐड हो जाएगी तो ये नीचे जैसे देखें searcearning.com आ रहा है, मेरी एक और वेबसाइट है वो भी यहां पे ऐड है, तो उससे भी जो है वो मुझे रेवेन्यू यहां पे आता रहता है, ठीक है। अब ये देखें ये सारे इसके ऐड जो है वो एक्टिव है। अब searcearning.com जो है इसको
अगर मैं देखता हूँ, नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है कि ये इसके सारे एड्स मैंने लगाए हुए हैं। अब ये एड कैसे बनाना होता है, पहले आपने वेबसाइट ऐड कर ली, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आर्टिकल लिखा है उसके लिए आपने एड जो है वो बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये लिखा होगा एड यूनिट और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होगा, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं एड यूनिट, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ना पॉप अंडर डायरेक्ट लिंक बैनर सारे एड वर्क कर रहे होंगे। मेरे पास ये एड जो वर्क नहीं कर रहे वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास ये पहले से बने हुए। अब आपने जैसे बैनर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने एड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखें, वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट, गॉट इट। उसके बाद आप नीचे आते हैं जैसे, तो यहां पर देखें ये पेंडिंग में चला गया। मेरे पास जो कि पहले से एक्टिव एड है, इसको हमने 2-3 मिनट वेट करना होगा। ये जो हमारा बैनर है ना, ये 468x60, ये हमारा पेंडिंग से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने यहां से जो है वो इसको गेट कोड करके इसका जो कोड होगा वो कॉपी करना होगा। तो यहां पर आप देखें तो ये सारे मेरे पास जो एड्स थे, जैसे कि अभी मैंने देखा था 468x60 जो कि अभी हमने बनाया था ना, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका एड यू एक्टिव आ रहा हो, आपने उसके बाद गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देने, ये आपको एक कोड दे देगा। आपने सिर्फ कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करना है और वापस आ जाना है आपने अपने आर्टिकल के ऊपर। ये देखें, ये जो आर्टिकल हम लिख रहे थे, ठीक है। हमारा काम क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है ना, जो अभी मैंने एडस्टेरा आपको दिखाई, इस पे आपने अपनी वेबसाइट लगानी है और आपने इससे एड्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि ये जितने मैंने एड बनाए हुए सब पे गेट कोड करके कॉपी कर करके आपने एक एक करके यहां पे प्लेस करने, यानी कि आप अपना एड लगाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। एड कहां पे लगाना है उसके लिए सिंपल सा है, जैसे कि मैं इसको यहां पे इंटर कर देता हूं, ठीक है। किसी भी आप जैसे पहला एक आपकी जो आ रहा है व्हाट इज गेट लाइक उसके नीचे लगा दें, फिर हाउ डज गेट लाइक वर्क उसके नीचे लगा दें, इस तरह से आपने एड लगाते जाने। लगाने कैसे है वो आपको बता देता हूं कि आपने यहां से जो है वो प्लस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहां पर जो है ना कस्टम HTML पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ना मिल रहा हो तो आपने यहां से सर्च कर लेना है और ये कस्टम HTML आ जाएगा। उसके बाद यहां पर हमने जो लिखा था ना, वहां से जो कॉपी किया था कोड, वो हमने पेस्ट कर देना है और उसके बाद हमने सिंपल जो है वो बस इसको यहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद हमने नीचे जैसे यहां पर है, इसके बाद मैं इंटर दबाता हूं तो ये लिस्ट बन के आ रही है, इसको हम लोग बैक स्पेस कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जो है वो हम लोग इसको यहां पे करीब लाएंगे ना, तो ये देखें ऐसे प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसके ऊपर प्लस करूंगा, उसके बाद कस्टम HTML करूंगा, उसके बाद दोबारा से ये वाला एड नहीं लगाते, खैर हम लोग दोबारा एड में जाते हैं और यहां से हम दूसरा एड जो है उसका कोड कॉपी करते हैं। आपने दूसरा एड बनाना हो तो आपने फिर वही करना है, एड यूनिट करना है, फिर दूसरा एड बनाना है। जैसे कि बैनर ये मैं बनाना चाहता हूं, तो ये देखें ये मुझे कहेगा भाई 2 मिनट लगेंगे, ये फिर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें 7th वाला मैं बना रहा हूं, तो ये देखें पेंडिंग में चला गया, ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये भी प्रूव हो जाएगा। मैं लेट्स सपोज यहां से इसको कॉपी करता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं और उसके बाद क्या करता हूं, यहां से इसको मैं चेंज करके अपना दूसरा एड लगा देता हूं। फिर आपने नीचे सारी जगहों पे आपने एड लगा देने, इतने ज्यादा भी नहीं लगाने के पढ़ने वाला भी परेशान हो, लेकिन ये है कि अच्छे खासे आपने एड लगाने जो कि 4-5 होंगे। तो मैं यहां पर एड्स पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने टोटल 4 एड जो है वो लगा दिए। नीचे हमारा डाउनलोड लिंक आ गया, उसके बाद कंक्लूजन आ गया। अब हमारा जो आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने आर्टिकल को जो है वो पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल है वो रेडी है, मैं आपको दिखाता हूं इसको जब हम पब्लिश करते हैं तो किस तरह से हमारा आर्टिकल जो है वो शो होगा। तो मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूं ताकि मैं देख सकूं कि मेरा जो आर्टिकल है वो किस तरह से शो होता है। अब ये देखें, ये हमारा आर्टिकल है जो कि हमने पूरा लिखा था। अब जहां पर मैंने गेट लाइक के नीचे वो लगाई थी ना कोडिंग, वो देखें उसकी जगह इन्होंने एड दे दी है। अब अगर कोई इस एड पे क्लिक करता है तो भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जैसे देखें एक्सनेक्स का एड है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मजीद इन्होंने डिफरेंट एड्स जो है वो लगा दिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये करता हूं तो ये किसी और का एड है, फिर नीचे 3 मैंने एड लगाए थे, टोटल 4 लगाए थे, 3 शो हो रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट एड्स लगाएंगे, जैसे कि पॉप अंडर है, उसके बाद बैनर एड है, सोशल बार है, ये सारे आपने ऐड लगाने हैं अपने एक ही आर्टिकल के अंदर। उससे क्या होगा कि आपके तकरीबन जो है वो 5-6 ऐड जो है वो शो हो रहे होंगे। अब ये आर्टिकल जो है वो किसी के सामने भी जाता है, वो उसको ओपन करता है ना, या सर्च करके मैं आपको बताता हूं कैसे वो आपने ट्रैफिक लेनी है। अब ये आर्टिकल किसी के सामने भी आएगा तो ये जो ऐड आ रहे हैं ना, इस ऐड का आपको पैसा मिलेगा और आपका जब पैसा होगा वो आपका यहां पर शो होगा। जैसे मेरे यहां पर देखें बैलेंस में शो हो रहा है 0.10 डॉलर, ठीक है। अब ये आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखते जाएंगे। आर्टिकल आपने कोशिश करनी है गेट लाइक का लिख लें, ठीक है, ग्रोथ का लिख लें, टिकटॉक कैसे ग्रो करते हैं उसका लिख लें, उसमें भी कोई डाउनलोड लिंक लगा दें, वो कहां से लेना है वही आप जो है थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी। पहला आपने गेट लाइक पे काम करना है, गेट लाइक के ही आपने 5-6 आर्टिकल लिखने। अब बताता हूं कि कैसे आपने ट्रैफिक लेनी है, ठीक है। अब जो आपकी अर्निंग आएगी वो भी आपको बता देता हूं कि यहां से आपने जो अपना बैलेंस है वो दिखते रहना, 0.10 है, ये बढ़ता जाएगा ऐसा ऐसा बैलेंस। अब हम बात करते हैं कि हमने इसका विड्रॉ है वो कैसे लेना है, क्योंकि मर्जी में ये होता है, हम जो ट्रैफिक है वो पहले नहीं देखते, बाद में देखेंगे, पहले इसका विड्रॉ देख लेते हैं। तो पेमेंट का विड्रॉ लेने के लिए आपने यहां से जो है वो पेमेंट इंफॉर्मेशन में आना है। जैसे ही आप पेमेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहेगा कि भाई अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दें ताकि हम आपको जो भी आप देंगे उस पर पे करें। यहां से आप देखें सिलेक्ट कंट्री पे आपने पाकिस्तान करना है, उसके बाद नीचे करेंसी है वो आपने PKR करनी है, प्रेफर्ड पेमेंट सिस्टम लिखा
लिखा हुआ है तो इन्होंने हमें लोकल बैंक ट्रांसफर दिया हुआ है, हम वो सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा कोई भी HBL या कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है। अकाउंट टाइप पे आपने इंडिविजुअल करना है, मिनिमम कितना है $100 जो है वो आपका जब होगा तो आपको विड्रॉ मिलेगा। नीचे जो आपका फर्स्ट नेम है ये सारी चीजें तब ओपन होंगी जब इन्होंने लिखा भी हुआ है दीज फील्ड्स विल बी बिकम अवेलेबल वंस यू रीच द मिनिमल पे आउट, यानी कि जब आपके अकाउंट के अंदर $100 हो जाएंगे तो फिर आपका जो है वो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपने अपना सिटी लिखना होगा, पोस्टल कोड लिखना होगा, फिर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर सारी चीजें देनी होंगी तो आपकी अमाउंट जो है वो यहां पर आएगी। अब उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ कि भाई पेमेंट आपकी कब से कब आती है, तो पेमेंट ये जो देते हैं 1-2 में 16-17 तारीख को, ठीक है, ईच जो है मंथ के एक मंथ में चार दफा ये चार दिन जो है पेमेंट देते हैं, ठीक है। इफ दिस डेट्स और वीकेंड पे हो तो वो पेमेंट आपकी नियरेस्ट बिजनेस डे में चली जाएगी। सारी डिटेल यहां पे प्रॉपर इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो आपने यहां पे अपनी पेमेंट जो है वो जब आपकी आएगी तो प्रॉपर आपको विड्रॉ मिल जाएगा। इस पे आप जाके प्रॉपर जो है वो YouTube पे देख लें, जितने आपको देखेंगे ना सारे बताएंगे कि हां भाई एडस्टेरा प्रॉपर आपको विड्रॉ देता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपनी ट्रैफिक हासिल करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। जितने ज्यादा आपको ज़ाहिर है व्यूज आएंगे उतना ही ज्यादा आपका चांस बढ़ जाएगा कि आपको लोग जो है वो इस आर्टिकल को देखें। आर्टिकल को देखने से आपके एड्स पे जो है वो लोग देखेंगे और उसके बाद क्या फायदा होगा, आपकी जो है वो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी एड्स टेरा में। एक तो यहां से आपको अर्निंग होगी, दूसरे नंबर पे जब आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे ना लिंक पे, क्योंकि आप उसमें मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, तो लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे मुझे देखें गेट लाइक से भी अर्निंग होती है, तो सेम प्रोसेस मैं भी करता हूं, तो यहां से देखें तो मुझे भी यहां से अर्निंग हुई हुई है और अभी भी मेरी अर्निंग तकरीबन विड्रॉ के लिए $143 अवेलेबल है। तो दो तरीके हैं, एक एड्स टेरा भी आपको अर्निंग दे रहा होगा, एक गेट लाइक भी दे रहा होगा। लेकिन मेन चीज आती है कि भाई हमें ट्रैफिक कहां से आएगी, उसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो हमारे 80% से ज्यादा जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो मेन चीज रह जाती है वो ये है कि हम अपने आर्टिकल पे ऑडियंस कैसे लाएंगे। तो इसके लिए आपने यूज करना है टिकटॉक का। अब आप सोचेंगे टिकटॉक का कैसे यूज होगा काशिप भाई, तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने जो ऑडियंस है उसके लिए एक वीडियो बनानी है और वही वीडियो सिर्फ एक वीडियो बनेगी और वही वीडियो आपने 10 टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट करनी है। उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूं कि एक वीडियो बनेगी। अब वीडियो किस वाले से बनेगी, क्योंकि हमने क्या आर्टिकल लिखा था, हमने लिखा था हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गेट लाइक, ठीक है। अब ये मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि एक वीडियो बनानी है, वॉइस ओवर कर लेना अगर लड़कियां हो सामने कैमरा रख के या सामने मोबाइल ओपन कर लेना, उस पे सारा बता देना, गूगल पे जाना है, ये वेबसाइट ये लिखना है, ठीक है, और यहां पे जो है ना मेरी वेबसाइट या आप बता देना वेबसाइट आएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये लिंक है आपने जो है ना यहां से डाउनलोड करनी है। अब होगा क्या कि बहुत से लोग जाके वहां से क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एफिलिएट भी मिलेगा और आपको वैसे भी वेबसाइट पे जितने लोग आएंगे उसकी ट्रैफिक के जो है ना अर्निंग अलहदा होगी। अब आप सोच रहे होंगे काश भाई आपने जुबानी कलामी तो बता दिया लेकिन इसकी समझ नहीं आई, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। अगर आप इस तरह से $10-12 कमाना चाहते हैं और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं विड्रॉल में आके, तो काफी ज्यादा अर्निंग मैं कर चुका हूं जो कि ट्रांसफर हो चुकी है मेरे अकाउंट के अंदर। अर्निंग आप देखें डॉलर्स के अंदर काफी ज्यादा है। अगर आप इस तरह से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल गूगल पे आना है। यहां पे आप आएंगे गूगल पे और आपने यहां से लिखना है YTVideoThumbnailDownloader.com। ये आप देख लें स्पेलिंग वेबसाइट के, ये स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए ताकि आप सही वेबसाइट पर आए। आप यहां पर आएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आर्टिकल आपको मिलेगा कि कैसे आप इस वेबसाइट से कमा सकते हैं वो आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। और सबसे नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। आप यहां पर देखें तो आपने यहां से वीडियो जो है ना वो इस वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड से मुराद है इसमें लिंक होगा और आपने वहां से अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद आपने यहां 3 डॉट्स पे आना है। यहां पे आप देखें तो टास्क मार्केट में आना है और ये इंस्टाग्राम टिकटॉक सारे जो है वो यहां पे काम है। काम क्या करना होता है कि आप यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं उनके आपको पैसे मिलते हैं और पैसे आप जो है वो पेयर में डलवाते हैं, उससे आप अपने इजी पैसा जैसे कैश तक विड्रॉ ले सकते हैं। कि ये हमारे सामने एक टिकटॉक पे हम जाते हैं, ठीक है। हमारे सामने जो है ना वो एक जो है वो टिकटॉकर है जो कि आमिर APK के नाम से इनका अकाउंट है। ये भी सेम ऐसी ही वर्किंग कर रहे हैं जैसे मैंने आपको मुकम्मल सिखाई है। अगर आप इसी तरह से अपने टिकटॉक पे जो है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे तो आपके भी व्यूज आना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी भी वेबसाइट पे लोग जाना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि आपने क्या करना है कि एक अकाउंट बना के उस पे आपने अपलोडिंग करनी है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने सेम वीडियो की 10 अकाउंट पे अपलोडिंग करनी है, क्योंकि आपको इससे कोई भी टिकटॉक पैसा नहीं देगा। होगा क्या कि आपके पास जितने ज्यादा अकाउंट्स आप बना लेंगे टिकटॉक के और जितनी ज्यादा अपलोडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो वायरल होने का चांस होगा। 10 अकाउंट पे कर रहे हैं एक ही वीडियो, अगर एक वीडियो भी आपकी वहां से वायरल हो जाती है 1000 व्यूज 1500 2000 व्यूज पे भी स्टार्टिंग में चली जाती है, तो अगर 100 बंदा भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो आराम से आपके जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर गेट लाइक जो है वहां से भी आपको अर्निंग आ रही है। तो दो दो तरीके, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो है वो टिकटॉक पे अपना अकाउंट बना के शॉर्ट्स पे भी डाल दी है, इंस्टाग्राम पे भी, और वहां से आपने ट्रैफिक जो है वो लेके जानी है जो कि गूगल पे जाएगी, ठीक है,
वहां पे आपने अपनी वेबसाइट सर्च करवानी है और वहां से आपको जो है वो आपकी वेबसाइट पे जो एड्स हैं वहां से भी अर्निंग हो रही है, और अगर आप गेटलाइक का यूज कर रहे हैं तो वहां से भी अर्निंग हो रही है। तो ये तरीका है कि आप इससे प्रॉपरली अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, मैंने आपको पहले बताया कि भाई इस पे काम करना पड़ेगा फिर जाके आपको अर्निंग होगी। अगर आप समझते हैं कि कोई एप्लीकेशन मिलेगी जल्दी से काम करूंगा अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपरली जो है वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि काश भाई अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया मेरा और मुझे समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तआला मैं आपको वहां पे रिस्पांस दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। अगर इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अब काम करें, काम करने के बाद इसी कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि भाई आप लोगों को स्टार्ट हो गई अर्निंग, और इंशाल्लाह जैसे कमेंट्स आना शुरू होंगे जो लोग नए आ रहे होंगे वीडियोस देखेंगे तो उनके लिए वो मोटिवेशन भी होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। नासिर।